हाय हाय हाय, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, सुपर गुड। ये देखो भाजी, एकदम बढ़िया वाली मजेदार। और ये और डालोगे इसमें कितने किलो बनती है? 80 किलो बन जाती है। करण भाई, अमृतसरी छोले भी आपको अमृतसरी छोले नहीं मिलेंगे। हाँ, कहाँ पर मिलेंगे? देसी घी की क्वांटिटी देख रहा है, ये देसी घी की क्वांटिटी है गाइस। कहाँ मिलेगा आपको इतना प्यार? यहाँ पे सिर्फ अमृतसर के अंदर मिलेगा इतना प्यार, और कहीं नहीं। केसर का ढाबा, ये देखो। ओ भाई साहब, आप जब भी यहाँ पे आओगे ना तो आपको लच्छा पराठा थाली ऑर्डर करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था जी। पालक पनीर फर्स्ट क्लास और सबसे बेस्ट पालक पनीर है। ये है भाई राजमा। ओ भाई, कलर देख राजमा का भाई, मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता, लुक एट द कलर गाइस। तो भाई साहब, अमृतसर आ चुके हैं। और अमृतसर में कहाँ है पता है? ये सारा रचना एक ही जगह लगेगा आपको, जहाँ मिलेगा केसर का ढाबा, जहाँ पे एकदम देसी घी में डूबा हुआ खाना मिलता है। और ऐसा खाना जो हर अमृतसर की विजिट में आपको यहाँ खींच लाएगा। चलिए अंदर, नंबर से नंबर आ रहा है यहाँ पे, बट हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ पे अंदर लोग कैसे बैठे हुए हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, और वो खाना बनता कैसे है। चलिए, ये देख लो भाई साहब, सारे के सारे लोग अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं, मज़ेदार। और तो आप हो ऑस्ट्रेलिया के शेफ, राइट? तो कैसा लगा आपको खाना? बढ़िया। कैलरीज आई थोड़ी? तो एक्चुअली में केसर का ढाबा जो है ना, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हर एक बाइट में कैलरी काउंट करते हैं, लाइक मी, लाइक दीज पीपल, यू नो। पाजी बढ़िया, एक नंबर। किन्ने परौंठे खाते फिर आज? किन्ने परौंठे खाते? दस खाते? अरे झूठ बोल रहे, ये तो झूठा था। पाजी की हाल चाल बढ़िया? की में लगे टेस्ट? बहुत बढ़िया। आते रहते हो या पहली बार आए हो? अच्छा, यहीं की हो? लो भाजी, संडे मतलब फैमिली डे है मतलब। तो एक काम करते हैं यार, मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ की सबसे बढ़िया मेगा किचन के अंदर, जहाँ पे ये सारा फूड बनता है। आइए। दाल पकती रहती है भाई? कितने घंटे पकती है दाल? 12 घंटे। ये देख भाई, नहीं ये देखो भाजी, एकदम बढ़िया वाली मज़ेदार। अरे और डालोगे? और डालो इसमें बाल्टी में। ये दाल निकाली जा रही है तड़का मारने के लिए, क्योंकि ये थाली के अंदर लोग स्पेशली लेते हैं। हर थाली के अंदर आपको ये दाल मिलेगी एकदम बढ़िया से। दाल बड़ी देग में पकाई जाती है। ये कितने किलो की है? इसमें कितने किलो बनती है? 80 किलो बन जाती है। एक टाइम में 80 किलो बनती है भैया? बारह घंटे बाप रे बाप। इसको पकाया जाता है और फिर जाकर ये रंग आता है, ये रंग देखो। और अब ये जाएगी जी मेन पतीले में। ये देखो भाई साहब, पूरी की पूरी दाल पलटा दी है। और ये देख ले भाई, ये पूरी थाली पूरी अरेंज करी जा रही है, ये थालियां अरेंज हो रही है। अब इस थालियों के अंदर सारा सामान लगाया जाएगा, सारी सब्जियां लगाई जाएंगी। वो भैया देखो धीरे धीरे करके सब लगाएंगे। ये देख मन्नी, चम्मच लगाया जा रहा है। ये भी वैसे बाकी सबको तड़का मार चुके हैं, मैं आपको एक दोबारा शॉट दिखाऊंगा जब ये सारी दालों को तड़का मारते हैं। और ये देख लो भाई, ये पूरा रोटियों का काउंटर है, सारे तंदूर, एक दो तीन, तीन काउंटर है टोटल। और अब ये देख सकते हो भाई, ये स्टफ नान है, और ये लगाया जा रहा है जी लच्छा पराठा, जो कि यहाँ का काफ़ी पॉपुलर आइटम है जैसे बोलूँगा। अब ये देखिए मनी कैसे लगेंगे, देख ये उठाया भाई। असली चीज़ पता क्या है? जब इस लच्छे पराठे के ऊपर देसी घी लगाया जाता है, देसी घी की क्वांटिटी देख रहा है, ये देसी घी की क्वांटिटी है गाइस। कहाँ मिलेगा आपको इतना प्यार? यहाँ पे सिर्फ अमृतसर के अंदर मिलेगा इतना प्यार, और कहीं नहीं। केसर का ढाबा। अब इसको वो भी करोगे, क्रश भी करोगे भैया? ये देखो ज़रा एकदम हमारे सामने करना, एकदम बढ़िया सा। ये करो जी। हाय हाय, क्या बात है, ये मार के फर्स्ट क्लास। ये था भैया पैकिंग वाला ऑर्डर, और थाली में जाता है गर्मा गर्म एकदम। इधर आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा। ये देखो, ये है जी पालक पनीर फर्स्ट क्लास और सबसे बेस्ट पालक पनीर है। पालक पनीर, बैंगन का भरता, ये शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है। ये है भाई बैंगन का भरता, और ये राजमा। ये है भाई राजमा। ओ भाई, कलर देख राजमा का भाई। ये है भाई राजमा, और क्या भैया? मलाई कोफ्ता। लुक एट द कलर गाइस, आपने हर जगह खाया होगा ना, वो वाइट रंग का होता है। ये देखो मलाई कोफ्ता, ये है शाही पनीर, और वो पिंडी छोले। कलर देख छोले का, छोले, क्या बात है। ये देखो, ये यहाँ पे ऑर्डर लोग आते रहते हैं, लेते रहते हैं। और ये दाल पैक्ड है, छोले पैक्ड है, जो सब्जी चाहिए आपको मिल जाएगी। गर्मा गर्म दाल पैक होती है, वही सगले वाली दाल है जो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र की हुई है। ये है भाई बूंदी वाला रायता, और ये हर थाली के अंदर आएगा। ये बूंदी देख मन्नी,
इतनी मोटी बूंदी है, इतनी मोटी बूंदी, ये बूंदी वाला रहता है, ये हर थाली के अंदर आता है। आप कभी भी यहाँ पे आओ ना तो लच्छा पराठा थाली लेना, ये मेरी हाईली रिकमेंडेड है। लच्छा पराठा जो थाली है ना उसके साथ आप सब्जी लेना, दाल की सब्जी लेना, दाल बहुत जरूरी लेना, छोले लेना और बैंगन का भरता या पालक पनीर हो रही है, क्योंकि अब तैयारी शुरू हो रही है दाल को तड़का मारने की। जी हाँ, वो देख बनी, वो उठाया भाई देसी घी, ये देसी घी डाला भैया ने बढ़िया सा। ओ भाई, ओए होए ओए होए ओए होए, क्या बात है। ये देख लो भाई कितनी कटोरियाँ, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, दस दस दाल को तड़का मारने वाले दस। ये देखो चेक करो भाई, ये ओए शाबाश, जाना बढ़िया। अब इसके ऊपर मारा जाएगा देसी घी का तड़का, घी के अंदर डालेंगे ये देगी लाल मिर्च। जी हाँ, जिसका तड़का लगेगा और ऊपर जो ये रेड रेड देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा बढ़िया से मिर्ची आ जाएगा ऊपर। ये देखो भाई साहब, ये लग गया जी, तड़का लग चुका है ये। अब इसके ऊपर लाल मिर्ची डाली जाएगी, ये देखो, ओह ओ भाई साहब क्या बात है। अब पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, चेक करो जी, ओए शाबाश क्या बात है, हाय हाय हाय, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, सुपर गुड। टैग करो उस दोस्त को जिसको केसर का ढाबे का फूड बहुत पसंद है या फिर वो अमृतसर आने वाला। ओ भाई साहब, ओ भाई ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे भैया, ये देखो भाई साहब, ये माय गुडनेस, भरता है पालक पनीर है, चना मसाला रहता है, बहुत बढ़िया। और दाल है पालक पनीर है, बैगन भरता है, चना मसाला रहता, दो लच्छा परफेक्ट। तो ये देखो भाई साहब जी, दीपक पाती आ जाओ, तो भाई सारे खाएंगे इसको मिल के, क्योंकि ये थाली जो सी है ना एक्चुअली में ये अकेले खाने वाली नहीं है, ये थाली अकेले खाने वाली नहीं है। पीछे देखो, पीछे। भाई साहब हम आज सुबह से शूट कर रहे थे, यहाँ पे आने से पहले मैं सबको कह रहा था यार मैं आज यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगा, आने से खुशबू से लगी भूख भाई, पर एक बाइट खा के भूख पड़ गई। साइज देखो लच्छे पराठे का, ये एक ही लच्छा पराठा बहुत आपके लिए है दीपक भाई, बिल्कुल बैंगन का भरता, पालक पनीर, बैंगन का भरता देख कितना बढ़िया लग रहा है। भले ये तो भाई ढाबों की जान होता है जो तड़का मार के तंदूर में भून के बनाते हैं ना, वाकई में ऐसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और करण भाई अमृतसरी छोले भी आपको अमृतसरी छोले नहीं मिलेंगे, हाँ कहाँ पर नहीं मिलेंगे, चाहे बात कुलचे छोले की हो, मट्ठी छोले की हो, या केसर में मिलने वाले छोले की हो, और ये रिचनेस आप चाहिए। वाह भाई, मतलब कि आप जब भी यहाँ पे आओगे ना तो आपको लच्छा पराठा थाली ऑर्डर करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पालक पनीर और बैंगन का भरता, ये दो एक ऐसे ऑप्शन है जो आपको अलग से ऑर्डर करने हैं और टेस्ट करना है। मतलब ये देख लो, एक दो तीन चार सब्जी मंगाई है हमने, वैसे एक थाली के अंदर दो ही सब्जी आती है, ये एक्स्ट्रा मंगाई है। और मंदी के तो राजमा अलग पड़े हुए हैं, मंदी के राजमा चावल अलग पड़े हुए हैं। तो एक काम करते हैं ना हम, ये सब इन्जॉय करते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, लेकिन ये वीडियो उसके शेयर करो जो गोल्डन टेम्पल आ रहा है या अमृतसर आ रहा है, और ये वो वाला मील है एक्चुअली में कि अमृतसर जाने के बाद पूरी ज़िंदगी याद रहने वाला ये मील। जी हाँ, तो मिलते हैं आपको जल्दी से एक नए एपिसोड के साथ बहुत जल्द, थैंक यू सो मच, बाय बाय।